आज हम बात कर रहे हैं पुलवामा आतंकी हमले के बाद लोगों के द्वारा की जा रही सर्जिकल स्ट्राइक की मांग। क्या होगा सर्जिकल स्ट्राइक 2.0? नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। श्रीनगर के पुलवामा के अवंतीपोरा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 44 बहादुर जवान शहीद हो गए, जिसके बाद देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ बदले की आवाज उठने लगी। जैश ए मोहम्मद इस आत्मघाती हमले के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोगों को उरी हमले के बाद मोदी सरकार द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक याद आ गई, जिसके बाद इस वक्त हर जुबा पर अब एक ही बात थी कि मोदी जी अब तो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को सबक सिखा ही दो, एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक करो और इस तरह करो कि आतंकियों की रूह कांप उठे। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट और केंद्र सरकार के मंत्रियों के कड़े बयानों से इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि उरी में सेना के कैंप पर किए गए आतंकी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए पाकिस्तान की सीमा में घुसकर कई आतंकी शिविरों को तहस नहस कर दिया था और कई आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। तो फिर क्या माना जाए कि पीएम के सख्त ट्वीट और कुछ बड़े केंद्रीय मंत्रियों के बयानों के बाद सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 होने वाला है? जी हाँ, 2016 में उरी में हुए हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को जरूर मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया था, लेकिन इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा। वहीं बीजेपी ने कहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का क्या हश्र होने वाला है, इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी सरकार एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 के जरिए पड़ोस में पल रहे आतंक के फन को कुचल सकती है। एक नजर उन ट्विटर पर जो मोदी सरकार से कर रहे हैं मां। रमेश सोलंकी नाम के एक व्यक्ति ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अब कोई राजनीति नहीं, कोई डिप्लोमेसी नहीं, अब पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए, उन्हें खून के हर कतरे की कीमत चुकानी हो। इसके साथ अक्षय शर्मा ने ट्वीट कर कहा है कि एक भारतीय के नाते, उरी के पदस्थ एक सैनिक के भाई के नाते, मैं नरेंद्र मोदी को बदला लेने का ऑर्डर देता हूं। चुनाव आने वाले हैं, अगर मोदी ने ऐसा नहीं किया तो मैं नोटा को वोट दूंगा। एस चंद्रशेखर ने ट्वीट पर कहा है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 शुरू होगी? यही एक भाषा है जिसे पाकिस्तान में स्थित आतंकी समझते हैं। हम आपके साथ हैं सर जी। ब्लैक लिपस्टिक ने भी ट्वीट कर कहा है कि मोदी जी पाकिस्तान में स्थित सभी आतंकी कैंपों को तबाह कर दो, फिर सर्जिकल स्ट्राइक करो। इस तरह मोदी जी से ट्विटर के जरिए एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की मांग होने लगी। इतनी क्रूरता के साथ शहीदों की जान के कारण लोगों में बदले की आग भड़कने लगी। संबित पात्रा बोले, पाकिस्तान को उसके हश्र का अंदाजा नहीं। बता दें कि इस बीच बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत की सरकार और भारत की जनता को पाकिस्तान ने ललकारा, आने वाले दिनों में पाकिस्तान का क्या हश्र होने वाला है, इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं। पाकिस्तान को पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए मजा चखाया गया था, उनके आतंकियों को तबाह किया गया था। पात्रा ने कहा कि आतंकियों को अब सीमा पर ही मार दिया जा रहा है, इसलिए वे बुरी तरह फ्रस्ट्रेटेड है। पिछली बार कब हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक? 8 सितंबर 2016 को आतंकियों ने उरी में बड़ा हमला किया था। अपने कैंप में सो रहे निहत्थे सैनिकों को आतंकियों ने निशाना बनाया था। इस हमले में 19 जवान शहीद हुए थे। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। मोदी सरकार ने तभी कहा था कि आतंकियों को इसका जवाब दिया जाएगा। 10 दिन तक छाई चुप्पी ने पूरे देश को बेचैन कर दिया था, लेकिन मोदी सरकार ने इसी बीच बड़ी खुफिया तैयारी की, जिसका अंजाम 30 सितंबर को पूरी दुनिया ने देखा। 28-29 की दरमियानी रात को पीओके में 3 किलोमीटर अंदर घुसकर भारतीय सेना ने आतंकियों के कैंपों को उड़ा दिया था। भारतीय सेना के बहादुर स्पेशल फोर्सेस के 7 दस्तों ने इस पूरे ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दिया। बिना किसी जवान को खोए दुश्मन के घर घुसकर भारतीय रणबांकुरों ने 50 से अधिक आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया था। क्या होता है सर्जिकल स्ट्राइक?
दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक सेना द्वारा किया जाने वाला एक गुप्त हमला होता है, जिसके जरिए किसी खास इलाके में किसी खास ठिकाने पर हमला बोलकर उसे ध्वस्त कर सेना सकुशल अपने शिविर में लौट आती है। इस हमले की योजना को खास तरह से रेखांकित किया जाता है, टारगेट को सुनिश्चित किया जाता है, जिसमें यह ध्यान रखा जाता है कि किसी भी प्रकार से आम लोग या सिविलियन क्षेत्रों को इससे नुकसान ना हो। और इस सर्जिकल स्ट्राइक पर मोदी की पूरी नजर। भारतीय सेना ने जब पिछले साल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे आतंकी संगठन के ठिकानों को ध्वस्त किया था, तब इस अभियान पर प्रधानमंत्री ने पूरी नजर रखी थी। वे रात भर सोए नहीं थे और पल पल की खबर ले रहे थे। दिल्ली में स्पेशल कंट्रोल रूम के जरिए मोदी को हर पल की खबर दी जा रही थी। अभियान की सफलता के बाद अगले दिन मोदी ने पूरे देश को सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी दी थी। फिलहाल आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।